स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहित पटेल फ्रॉम गंगा गुरुकुल जय श्री स्वामीनारायण। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट मैटर। मैटर का डेफिनेशन हमने देखा था, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यहाँ पे जो भी चीज भगवान ने बनाई है तो जगह रखती है और उसका कुछ मास है, ठीक है। ये छोटी से छोटी चींटी हो या बड़ा सा बादल हो, ठीक है, सब मैटर है। क्या है? मैटर है। हमें ये देखना है कि मैटर प्योर है कि नहीं। हमारा प्योरिटी का हमारा नजरिया क्या होता है कि घी है या दूध है, प्योर कैसे है? उसके अंदर कोई खराब चीज नहीं है तो हम उसको प्योर मानते हैं। बट साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? कैसे नक्की करते हैं कि वो गंदा ना हो, उसको प्योर बोलते हैं, खराब ना हो? Have you ever noticed that the word pure written on the backs of these consumables का लिखा था? Pure ghee, pure milk, pure salt, लिखा होता है कि नहीं? For a common person, pure means having no adulteration, ठीक है? कॉमन पर्सन के लिए क्या है? प्योर मतलब है हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब कोई खराब ही नहीं हो, डिफेक्ट, ठीक है। ये इसका मतलब है कॉमन पर्सन का हमारे घर में हम इस तरीके से बात करते हैं। लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? प्योर मतलब हैविंग नो डिफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइंटिस्ट की नजर में है ना, प्योर का मतलब ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, ईटीसी। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये सब्सटेंस प्योर है तो उसका हर एक पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम होता है। जैसे कि सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर पूरे के पूरे NaCl के पार्टिकल आपको मिलेंगे। अगर शुगर है तो शुगर आपको मिलेगी, तो शुगर के अंदर क्या मिलेगा आपको? शुगर के अंदर शुगर मिलेगा, शुगर के दाने मिलेंगे, मतलब ग्लूकोज है वो कहता तो शुगर मिलेगा, कुछ मिलेगा। वाटर है तो ऐसे को वाटर, ठीक है। पर मिनरल एकदम प्योर मिनरल में एकदम प्योर वाला वाटर बहुत डिस्ट्रीट वाटर होते हैं, ठीक है, जैसे रेन वाटर होता है और उसमें थोड़ा गैसेज मिक्स होते हैं तो वो भी कहलाता प्योर। बट H2O कैसा? डिस्ट्रीट वाटर, ठीक है। वाटर पेपर जो बनती है चाय या कोई सब्जी या कुछ बनाने का अपने मैगी बनाते वक्त वो पेपर बनती है, ठीक है, वो उसका जो ऊपर पानी जमा होता है डिस्ट्रीट होता है, वो प्योर है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट ने बोला प्योर, मतलब उसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं। मिलेगी आर ऑल मिक्सचर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे हमारे पास नींबू पानी पड़ा हो तो नींबू पानी को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे भाई? मिक्सचर। क्योंकि अंदर नींबू पानी के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, सॉल्ट, शुगर, नींबू। ठीक है, एक चाय बोलो तो चाय के अंदर भी क्या होता है? चाय पत्ती हमने डाली होती है, उसका स्वाद होता है, शुगर होती है, मसाला डालते हैं, आलू डालते हैं और वाटर। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर।
दो टाइप के मिक्सचर्स यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, नेचर में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है तो उसके थ्रू हम समझेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है कि भाई लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी, हमें चार ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, सम स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, स्पैचुला मतलब एक कंटेनर जैसा आता है, उसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट लेना है, मतलब एक ग्रुप होगा 50 ml का वाटर लेगा, दूसरा कॉपर सल्फेट सीयूएसओ बोल होते हैं इसको, ठीक है, सब 50 ml जीनियस
ये मिक्स नहीं होगा। जो परफेक्टली मिक्स हो जाए वो होमोजेनियस, परफेक्टली मिक्स ना हो मिक्स कोई ना उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। है तो ये वीडियो को देखें एंड आप मैटर के बारे में, मैटर के नेचर के बारे में